हेलो दोस्तों, झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिन पास जो रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो इसमें वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है और क्या जानकारी, क्या रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी रिक्रूटमेंट के लिए। तो झारखंड लाइव में अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को नीचे दबा लीजिए, ठीक है, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ये क्या इंस्टीट्यूट है, ये रिनपास का ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ठीक है। तो जो रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान रिनपास, ठीक है, कांके रांची के विभिन्न विभागों में वरीय रेजिडेंट के रिक्त टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपको ये पूरा दिख रहा होगा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षण परिवार कल्याण विभाग झारखंड के रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान कांके रांची के विभिन्न विभागों में वरीय रेजिडेंट, मानदेय कितना होगा, 60,000 रुपया होगा, ठीक है, 60,000 रुपया प्रतिमाह के रिक्त पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, ये इंटरव्यू ले जाया जाएगा, उसके माध्यम से वो जो रिक्त पद है उसको भरा जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी है इसमें, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो साइकेट्री के लिए सीनियर रेजिडेंट की टोटल वैकेंसी जो है वो 3 पोस्ट है, और न्यूरोलॉजी के लिए सीनियर रेजिडेंट के लिए उसमें 2 पोस्ट दिया गया है, ठीक है, वैकेंसी है। तो विज्ञापित पदों पर की जाने वाली नियुक्ति में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 1072 दिनांक 17/2 नामांकित प्रावधान के अनुसार आरक्षण रोस्टर लागू होगा, जो आरक्षण एक्ट है वो 2009 का आरक्षण जो एक्ट है उसके तहत ये लागू होगा, ठीक है। योग्यता क्या होगा इसमें, वरीय रेजिडेंट के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि होगी, ठीक है। और ये फिर चयन जो है, चयन का आधार क्या है, तो इसमें देख लीजिए, चयन का आधार जो है वो प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी, और उसके जो विभाग के अनुसार क्या होगा, वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लिए टेन्योर पोस्ट की विरुद्ध की जाएगी, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और फिर उसके लिए आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। नियुक्ति की शर्तें कुछ है, यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति यदि किसी टेन्योर पद पर नियुक्त होते हैं तो वे सिर्फ एक टेन्योर अवधि के लिए ही पद धारण कर सकेंगे, वो जैसे कि होता है 2 साल या 3 साल, जितने साल के लिए भी होंगे उनका टेन्योर उसी वक्त के लिए उतना ही टाइम के लिए फिक्स रहेगा, इसमें कोई नियुक्ति में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, फिर टाइम नहीं बढ़ेगा आपका। वैसे चिकित्सक जो पूर्व से वरीय रेजिडेंट का टेन्योर पद कहीं से भी पूर्ण कर चुके हैं, वे विशेष में वरीय रेजिडेंट के वर्तमान पद पर आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे, ठीक है। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करेगा तो जो उन्हें अपनी इच्छित विषयों में प्राथमिकता व्यक्त करनी होगी, अगर आप एक से ज़्यादा क्लिक करते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट है उसे में आप उसमें चूज कर सकते हैं कोई एक, ठीक है। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत, ठीक है, पदधारक जो झारखंड स्वास्थ्य सेवा संघ के सदस्य है, धारित टेन्योर पद के स्वतः मुक्त हो जाएंगे और वे अपने मूल समूह में वापस हो जाएंगे, ठीक है। आपका जैसे टेन्योर ख़त्म होगा आप फिर वहाँ पर उस पर सेवा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये देखिए उम्र कितनी, अधिकतम उम्र सीमा क्या इसमें दी गई है, तो देख लीजिए यहाँ पर उम्र सीमा जो है वो जनरल के लिए 35 वर्ष है, ओबीसी के लिए 37 ईयर्स है, ठीक है, महिला के लिए 38 ईयर्स है, और जो SC ST हैं, ठीक है, SC ST हैं उनके लिए 40 वर्षों की उम्र सीमा दी गई है, ठीक है। और सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सकों के लिए कितनी है, 5 वर्ष की छूट दी गई है, जो सरकारी में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। फिर है वॉक इन इंटरव्यू, रिन कहाँ पर होगी, ये एड्रेस देख लीजिए आप यहाँ पे, कहाँ के, रांची, दिनांक 23/1/2019 को, 23 जनवरी 2019 को पूर्वाहन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक संपन्न होगा, ठीक है। सभी इच्छुक उम्मीदवार www
rinpas.nic.in पर दिए गए आवेदन में अंकित सभी वांछित सूचनाएं पूर्ण रूपेण भरकर सभी मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ वॉकिन इंटरव्यू के आयोजित तिथि में भाग लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब जाइएगा www.rinpas.in तो वहाँ पर देखिएगा होगा वहाँ पर लिखा हुआ लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उस पर देखिएगा तो नीचे वहाँ पर फॉर्म भी दिया गया है साथ में, तो वो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप उस वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी और आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो झारखंड लाइव के साथ बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन।